हरियाणा में बीजेपी ने नायब सिंह सैनी को नया सीएम बनाकर एक नायाब प्रयोग किया है। जाट बाहुल्य हरियाणा में बीजेपी ने सैनी समुदाय के नायब सिंह को मुख्यमंत्री बना दिया, जबकि उनके समुदाय की आबादी हरियाणा में महज 3% है और जाट समुदाय की 20%। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। क्या है नायब सिंह सैनी की ताकत और कितनी है उसके पास संपत्ति, आइए आपको बताते हैं। मैं नायब सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा। हरियाणा में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी ने नए मुख्यमंत्री पद की शपथ ली तो राष्ट्रीय राजनीति में उनकी चर्चा होने लगी। नायब सिंह सैनी कुरुक्षेत्र से बीजेपी के सांसद भी हैं, लेकिन देश के पटल पर उनका नाम अब से पहले ज्यादा नहीं सुना गया। हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर को हटाकर सैनी को मुख्यमंत्री बनाया गया तो उनकी कुछ खासियतें तो होंगी ही। खट्टर 10 साल से हरियाणा के मुख्यमंत्री थे। खट्टर के अलावा सैनी हरियाणा के दिग्गज नेता अनिल विज पर भी भारी पड़े हैं। और जिस सोच के ऊपर ये जिम्मेवारी दी है आदरणीय मनोहर लाल जी के, उस भाव को आगे बढ़ाते हुए मजबूती से हर व्यक्ति तक सरकार पहुंचे और जिस भाव से मनोहर लाल जी ने कार्य किया है उस कार्य को आगे बढ़ाते हुए हर व्यक्ति की अपेक्षाओं के ऊपर हमारी ये सरकार पूरा उतरेगी, उसको लेकर के काम करेंगे। आज हमने धन्यवाद प्रस्ताव पास किया है। अंबाला के मीजापुर माजरा गांव से आने वाले नायब सिंह सैनी ने यूपी की चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी से कानून की पढ़ाई की है। 90 के दशक में अंबाला से ही अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत करने वाले सैनी को पिछले साल ही पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था। उनकी शुरुआत अंबाला में बीजेपी के जिला युवा मोर्चा से हुई, लेकिन जब उन्हें हरियाणा किसान मोर्चा का महासचिव बनाया गया तो फिर उन्होंने राजनीति में पीछे मुड़कर नहीं देखा। साल 2009 में नायब सिंह सैनी पहली बार हरियाणा की नारायणगढ़ विधानसभा सीट से विधानसभा चुनाव लड़े थे, लेकिन इसमें उन्हें कांग्रेस उम्मीदवार रामकृष्ण से हार झेलनी पड़ी थी। साल 2014 में नायब सिंह सैनी ने एक बार फिर नारायणगढ़ सीट से विधानसभा चुनाव लड़ा, जिसमें उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी निर्मल सिंह को मात दे दी थी। 2014 के चुनाव में ही खट्टर राज्य के मुख्यमंत्री बने थे। नायब सिंह सैनी ओबीसी यानी अन्य पिछड़ा वर्ग से आते हैं और वे कुरुक्षेत्र से बीजेपी के सांसद हैं। साल 2019 में वो कुरुक्षेत्र से लोकसभा चुनाव जीते थे। लोकसभा 2019 के चुनाव में दाखिल हलफनामे में नायब सिंह सैनी ने अपनी संपत्ति कुल 3 करोड़ रुपए से ज्यादा दिखाई है। नायब सिंह सैनी ने 2017-18 में अपनी कुल आय 33 लाख से ज्यादा दिखाई थी, जबकि 2015-16 में यह 19 लाख के करीब थी। 2019 के लोकसभा चुनाव के हलफनामे के मुताबिक उनके पास कुल 4 लाख रुपए से ज्यादा कैश रकम है, जबकि बैंकों में 24 लाख रुपए से ज्यादा जमा है। वहीं उनकी पत्नी सुमन सैनी की कुल आय 6,16,909 रुपए है। हलफनामे के मुताबिक उनकी पत्नी के पास 2019 में 1,25,000 रुपए की नगद राशि है, बाकी उनकी अचल संपत्ति है। नायब सिंह सैनी के पास हरियाणा के अंबाला और पंचकुला में 2 शानदार बंगलोज हैं। प्रॉपर्टी मार्केट में इनकी कीमत 2.5 करोड़ से ज्यादा आंकी जाती है। वे खट्टर सरकार में खनन मंत्री भी रह चुके हैं। चुनावी हलफनामों के मुताबिक नायब सिंह सैनी की संपत्ति दिन दुनी रात चौगुनी बढ़ी है। हालांकि बीजेपी को उनकी संपत्ति से ज्यादा उनके चुनावी रणकौशल पर भरोसा है, इसलिए उन्हें लोकसभा चुनाव से पहले सीएम की कमान दे दी गई। इसी साल हरियाणा का विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं। अगर इसमें वो बीजेपी को कामयाबी दिला पाए तो उनका कद पार्टी में निश्चित तौर पर और बढ़ेगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।